एमपी के रीवा में भारत रत्न व देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। इस दौरान एडीएम रीवा इला तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। हम लोग उस चीज की शपथ ले रहे हैं कि हम लोगों को जनता का काम किस तरह से करना है। लोकसभा ग्रंटी अधिनियम कानून बना हुआ है, उसको लेकर हम लोग बिल्कुल संवेदनशील हैं। लोकसभा अधिनियम को लेकर जितने भी केस हैं उसको जल्दी निपटाने का प्रयास हम लोगों को करना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय तक जनता का निराकरण करने का प्रयास किया जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। मैं प्रदेश में शासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए और शासन को अधिक पारदर्शी आज है ना सुशासन दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी के ना जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर है, उसके पहले दिन शपथ लेने के लिए ना हम लोग ने एकत्रित हुए हैं। सब है ना हम लोग ना शपथ लिया भी है, संकल्प ही लिया है। हम लोग एक जवाबदेही पारदर्शी प्रशासन को जनता के समक्ष में कैसे रखा जाए और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्या को कैसे निराकरण किया जाए, इसमें काफ़ी सारा नियम कानून है ना बनी हुई है। बट नियम कानून को धरातल उतरना और जनता को संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या को सुनना, उसको निराकरण करना और वो पारदर्शिता के साथ है ना करना, ये हमारे लिए ना इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा गारंटी अधिनियम कानून बनी हुई है, उसको हम उसको लेकर हम लोग बिल्कुल संवेदनशील है। हम लोग लोकसभा केंद्र को सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। लोकसभा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ना कितने भी केसेस हो उसको जल्दी निराकरण करने के लिए और पॉजिटिव सकारात्मक निराकरण करने के दिशा में भी हम लोग लगातार उसको निगरानी करते हैं। बट उसके अलावा सभी कार्यालय में जब भी कोई भी व्यक्ति आते हैं उनको एक समाधान हो और समाधान के रास्ता है ना खुल के दिखा दे, ये भी हमारे लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग निश्चित ही ना कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा ना जवाबदाही के साथ ना पारदर्शिता के साथ आने वाले समय पे ना जनता की ना समस्या को निराकरण करने में लगे रहेंगे।